राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमोशन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश दिए गए। सीजेए एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने आदेश दिए, अब राज्य सरकार बैकडेट से दे सकेगी कर्मचारियों को प्रमोशन। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए, अब दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। इस पर पहले रोक लगी हुई थी, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से प्रमोशन देने पर लगी रोक को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर ये आदेश दिए गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ की ओर से आदेश दिए गए हैं, अब राज्य सरकार बैकडेट से कर्मचारियों को प्रमोशन दे सकेगी। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमोशन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश दे दिए हैं और अब दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। अब राज्य सरकार बैकडेट से कर्मचारियों को प्रमोशन दे सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने आदेश दिए। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर ये आदेश दिए गए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी तो खबर है ही, साथ ही साथ अच्छी भी ये खबर है क्योंकि जो रोक लगी थी प्रमोशन देने पर उसे अब हटाने के आदेश दे दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश के कह सकते हैं हजारों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, उनके लिए एक बड़ी बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक तरह से जो प्रमोशन देने की रोक थी वो हटा दी है। क्योंकि बीच में देखिए कि पिछले टाइम जो है दो बच्चों से अधिक वाले जो कह सकते हैं सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन पे रोक लगा दी गई थी, उस पर जो है हाईकोर्ट ने अब उस रोक को हटा दिया है। और अब राजस्थान सरकार, चूंकि ये राजस्थान सरकार ही राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची थी कि इस तरीके की रोक से जो कर्मचारी हैं उनका हक मारा जा रहा है और जो उनका अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में अब राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार जो है उन हजारों कर्मचारियों को, प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से मतलब बैक डेट से जो है उनको प्रमोशन दे सकेगी। इससे न केवल इन हजारों कर्मचारी जो हैं उनको फायदा मिलेगा कि कहीं उनका भुगतान से भी एरियर के रूप में भी उनको फायदा मिलेगा और पद के हिसाब से भी उनको जो है बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो साल 2001 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1 जून 2002 को, जो उसमें तीसरा बच्चा पैदा होने पर सरकारी कर्मचारी को 5 के लिए प्रमोशन को सिर्फ वंचित करने का एक नियम बनाया गया था। ये देखिए कि 2002 में जब नियम बनाया गया था, साल 2017 में सरकार ने 5 की अवधि को जो है हटा दिया था और उसके बाद उसको 3 कर दिया था। लेकिन पिछले साल जो है 16 मार्च 2023 को जो है अधिसूचना जारी की थी सरकार ने और कहा था कि ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी पदोन्नति दंड स्वरूप रोकी गई थी उनकी पदोन्नति वर्ष से ही प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। मतलब यानी अगर किसी का 2005 से पदोन्नति रोक दी गई थी तो 2005 से ही उसको पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। ऐसे इसको जो है रोक लगी हुई थी, इस पर सरकार फिर से हाईकोर्ट के पास पहुंची। हाईकोर्ट ने आज जो है जो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला देते हुए ये आदेश दिया है कि जो बैक डेट से राजस्थान सरकार प्रमोशन दे रही है उस पर अब कोई रोक जो है वो नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत कह सकते हैं 125 विभागों में डीपीसी के माध्यम से ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति जो है प्रमोशन का लाभ दिया जाना है, डीपीसी हो चुकी है कई विभागों की, तो ये एक बड़ी खबर है राज्य के कर्मचारियों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए।